पहले मजदूर किसान यूनियन के साथ था, बड़ी दिल्ली से मैंने वो लेटर लाए थे तो खलीनी में खोली थी, लेकिन उन्होंने भी ये रजूम पकड़े लोगों से 200-200 रुपया 300-300 रुपया हर बंदे से लिया। जब मैंने देखी वहाँ करप्शन तो मैं वहाँ वो छोड़ गया। मैं एक छोटी सी एनजीओ भी चलाता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे है, जिसका कार्ड एंटी करप्शन सोसाइटी नाम जाना जाता है, पूरे ये कार्ड है मेरा, पढ़ सकते सर। तो वो भी चलाता हूँ गरीबों की वेलफेयर करने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। लेकिन मैं इस वक्त भदरवा में आया है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया है, हमने बहुत पहले से यूनियन वहाँ खड़ी की थी, लेकिन वहाँ कुछ नेता लोगों ने कुछ पार्टी बाजी करके कुछ गुंडों ने वहाँ कंपनी खरीद ली है, जो ठेकेदार भी बने हैं, जो अपनी मर्जी से वहाँ बंदे भी लगा रहे हैं, जो अपनी मर्जी से वहाँ काम भी कर रहे हैं। हमारा पानी खत्म हो गया, हमारा चिरागा खत्म हो गया वहाँ। आप लोगों को तो क्या भदरवा में मुसीबत है, खलीनी में आकर देखो, रोड चलने के लिए नहीं है, रास्ता चलने के लिए नहीं है हमें, और हमारे बच्चे नहीं लगा रहे हैं। क्यों? कि हम यूनियन से जुड़े, यूनियन जैसे कोई बाहर से आई, अगर हिंदुस्तान की यूनियन है, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या अपना हक मांगने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि यहाँ नहीं मांग सकते हम अपना? तो वहाँ बाहर के यूपी बिहार हिमाचल के लोग आए हुए लगाए और पैसे भी कंपनी खा रही है, कंपनी मतलब कंपनी नहीं, कंपनी के जो दलाल है वो बैठ के पैसे भी खा रहे हैं, और किसी लड़के फालतू आदमी को बजने देते नहीं है, वहां जाने देते नहीं है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ यूनियन के बारे में, जो ये चुनाव वेली वर्कर यूनियन है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं भी दिल्ली तक इसकी जानकारी की, मैंने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इसमें, बड़े बड़े किश्तवाड़ से, रामबन से, श्रीनगर तक मेरे पास तारगामी साहब ने लेटर भेजा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। मुझे लगा कि चुनाव वेली वर्कर यूनियन जब घर में है तो हमें दूसरी यूनियनों को साथ देने का क्या फायदा है। फिर यहाँ कुछ एडवर्टाइजें चली, कुछ मीडिया में बातें चली कि नहीं जी फलाना प्रधान था। यूनियन को अख्तियार है 90 दिन तक, एक प्रेसिडेंट सही काम नहीं करता है, अगर वो चोरियां करता, वो कोई गलत काम करता है, तो उसको यूनियन के मेंबरों को अथॉराइज है, वो एक प्रेसिडेंट साइड कर सकते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट बना सकते हैं, वो जो 7 या 10 मेंबर उनके होते हैं उनको अथॉराइज है 90 दिन तक उसको 2-3 लीगल नोटिस देने की। हाँ, अगर यहाँ मैंने सुना कि फरीद साहब कोई एक प्रेसिडेंट बना है, मुझे तो नहीं है पता, मुझे कागज दिए तारक साहब ने, मुझे दिए कुलजीत सर ने, जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने कागज दिए, जो हमें बैनर चाहिए थे उन्होंने दिए। आज कहीं डोडा भी देख रहा हूँ उनकी बाइक चल रही है, कोई फेसबुक पे चल रही है, मुझे ये नापसंद है। अगर उन्होंने लड़ना हमारे साथ आओ, खलीनी में खड़े हो जाओ, हम आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन वहां तो आओ ना, यहाँ डोडा यहाँ भदरवा से बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत गुस्सा हुआ है परसों जब मीडिया पे बात आई कि फरीद साहब को यहाँ अलग ही दफ्तर खोल रहे हैं चुनाव वेली वर्कर यूनियन का। ठीक है, खोले, हमें उससे कोई दुख नहीं, लेकिन वो हमसे रब्ता करे ना, हमसे आए, हमसे बात करें कि हाँ जी हम चुनाव वेली वर्कर यूनियन का दफ्तर खोले। कोई भारत मजदूर संघ यूनियन बन रही है, कोई शिवसेना यूनियन बन रही है, कोई तालिबानी यूनियन बन रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही, इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही कि कितनी यूनियन से ये बात कर रहे हैं। नाम हमारा चुनाव वेली वर्कर यूनियन और काम दूसरों का। हमें क्या दिया? मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट से ही मेरा मुतालबा है कि हमें क्या दिया, ना हमारे लड़के मुलाजम, हमारे न बिजली, जो कि मुफ्ती सीद ने 2002 में रामबन में मेरे सामने, मेरे पास शायद उसका कुछ सबूत भी होगा, उन्होंने बोला था कि चुनाव वैली के लिए बिजली फ्री होगी। इस वक्त बिजली हम 700 रुपया 800 रुपया 400 रुपया किराया दे रहे हैं, बिजली फ्री हो, प्रोजेक्ट हमारे, पानी हमारा, दरिया हमारा, जमीन हमारी हुकूमत कर रहे हैं यूपी बिहार से आकर। हमें इस वक्त गिनती बेलचे के लिए डीओ लेटर के लिए मोदी का ऑर्डर चाहिए हमको कि हाँ जी मोदी का डीओ लेटर लाओ और कंपनी में भर्ती हो जाओ, गिनती बेलचे चलाओ। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से हिंदुस्तान के झंडे के नीचे इंसाफ हो रहा है कि एक गिनती बेलचे के लिए कब जाएंगे मोदी साहब के पास, कब वहां से डीओ लेटर लाएंगे, कब जाएंगे देवेंद्र राणा के पास, कब जाएंगे जितेंद्र राणा साहब के पास कि हम वहां से लेटर डीओ लेटर लाएंगे और हमारे बच्चे गिनती बेलचे का काम करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से ये माफी मांगता हूँ, सब लोग आगे निकलो, अपना हक ले लो, अपना हक लेने छेन के ले लो, जबरदस्ती ले लो। अगर नहीं माना इन कंपनियों ने तो यहाँ सच बोला तारिक साहब ने पहले कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, औरतें मर्द रोड पे उतारेंगे
हमारे बच्चे ही गिनती बेलते के लिए फिर लगेंगे, वरना नहीं तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट सुनती है, ना कोई कानून सुनती है। पर्चे पे पर्चा लगता है, यहाँ बहाना लगाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदू मुस्लिम किया जी, मुसलमान ने बात की थी, हिंदू ने बात की थी। यहाँ तो भाईचारा है, एकता है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं, 47 आज तक मैंने सुना ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। और यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो हिंदू मुस्लिम फसाद भी कराने चाहते हैं। लेकिन मैं सब नौजवानों से अपील करता हूँ, अपना भाईचारा कायम रखो, अपने आप सेफ रखो, और अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए हम अपने बाप से लड़ सकते हैं। अगर हमारा बाप अगर हक ले लेता उससे भी छीन के ले लेंगे हम अपना हक, और आप लोगों का साथ होगा। मैं एक बहुत मतलब अनपढ़ आदमी हूँ, मैं आप लोगों का साथ होगा, मैं सब कंपनियों को कवर कर सकता हूँ। अगर आप लोग हम रोड में आ जाएंगे, वो कंपनियां क्या है, वो क्या ठेके, उन्होंने ठेके लिए। अगर हाँ, परसों मुझे जेम ने एक बात बताई, मुझे बहुत गुस्सा आ गया उस बात पे। मैं ये बात मीडिया से भी करना चाहता हूँ, लोगों से भी करना चाहता हूँ। बोला राजनाथ सिंह की कंपनी है, आपको पता नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनाथ सिंह सर डिफेंस मिनिस्टर, जब बघियाड़ प्रोजेक्ट बन रहा था, हमको अंदर लिया था, राजनाथ सिंह ने बाहर निकाला था हमको पुलिस से। आज अगर वो होम मिनिस्टर है, पूरे इंडिया के होम मिनिस्टर है, कि न कि एक पार्टी के होम मिनिस्टर है, जो कि एक कंपनी के, एक कंपनी बोलती है कि उसकी, उसके दाड़े में हमको ड्राकर आर्मी का, पुलिस का दाड़ा देकर हम पीछे गरीब। इस वक्त हमें न रोटी खाने के लिए है, न पानी पीने के लिए है, न हमें माल गाय रखने के लिए है, न हमें कोई घास जमीन में उग रहा है। क्यों गर्दा देखो, यहाँ भदरवाह में तो कुछ नहीं है, खलीनी कश्तवाड़ से लेकर आप यहाँ क्या बोलते हैं खलीनी तक देखो, खलीनी तक है, खलीनी से शॉर्टकट जाती है रोड, तो वहां तक देखो क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है। बाकी मैं तो हुकूमतें आती रहती है, जाती रहती है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, परसों एनसी आएगी, जो कोई और आएगी। मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मजदूरों के हक के लिए हम लड़ेंगे, चाहे जेल भी जाना पड़ेगा। अगर हमारे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ शहीद हुए मजदूरों के हक, गरीबों के हक के लिए, तो हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं मजदूरों का हक। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब ऑफिस से भी बुलाओ, आदमियों को काश्तीगढ़ से भी बुलाओ, बलेसा से भी बुलाओ, रामबन से भी बुलाओ, लेकिन फारूक साहब रामबन से आना बड़ा मुश्किल दूर है, क्योंकि दूर के आज टाइम उतना बड़ा है नहीं, मौसम का भी आगे क्या था। तो मैंने इन लोगों को, अपने साहब ऑफिस के लेने वालों को तकलीफ दी यहाँ पे, इसीलिए कि ताकि हमें भी यहाँ वाजिया हो जाए कि देखो वहाँ कितना नुकसान हो रहा है, वहाँ मकान तक क्रैक हो चुके हैं, खिलैनी में पूरे जितने चश्मे थे वो सारे खत्म कर दिए, जंगलात का सतिया नाश कर दिया वहां से। हमें अभी तक भी, हमने एक लेटर, कितना टाइम सर हुआ उसको लेटर को निकाले हुए, एक हफ्ता हुआ हमने लेटर निकाला है डीएफओ डोडा को भी और डीएफओ भदरवाह को भी, कि कम से कम हमें एनओसी दीजिए कि तुमने उनको कितना रोड रिक्वायर करने के लिए परमिशन दी है। वो तो कुछ है ही नहीं, वहां ऊपर से मलबा काटो फेंको, नीचे पेड़ खत्म हो जाए, कुछ खत्म हो जाए, पानी टूट जाए, किसी का घर टूट जाए, उजड़ जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कंपनी। और उनके साथ एक और जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने दोनों एडवाइजरों से भी और अपने यहाँ के एडवाइजरों से भी, कि वहाँ के दो, शायद दो के तीन ठेकेदार हैं, वो शायद कश्मीर सिंह जी खुद उस पर वाजिया करेंगे, वो शायद एक किश्तवाड़ से एक है जम्मू का, उन्होंने अपने एक तानाशाही बना के रखी है हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड में आकर उन कंपनियों में, अपनी मर्जी से बंदे लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से बंदे निकाल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है उन ठेकेदारों पर। क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई ऐसा ठेकेदार नहीं था जो ठेका नहीं कर सकता था? जब हमारे ठेकेदार दावा कर रहे हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा के, हमें इतने, हम ए क्लास के हैं, बी क्लास के हैं, सी का, फिर किश्तवाड़ के ठेकेदार को लाने की क्या जरूरत थी, और जम्मू के ठेकेदार को क्या लाने की उन कंपनी को जरूरत थी? अगर यहाँ का ठेकेदार लगाया होता, यहाँ के ठेकेदार, उसको यहाँ के गरीब बच्चे का पता था कि किस घर से कौन सा गरीब सा बच्चा है, उन्होंने वहां से अपनी राजनीति, शायद यहाँ तो ठेकेदार भी उनके साथ पतियां खा रहे हैं कंपनियों से मिलकर, कंपनियां भी उनको कमीशन दे रही हैं, और उनका वो वहां तो कंपनी का एक उनका था वो शायद किसका, रिधि सिद्धि का कंपनी का, वो तो किसी की सुन नहीं रहा था, जिस बेस पे उन्होंने हमारे कश्मीर सिंह जी के ऊपर, हमारी पूरी चिरावली के ऊपर पर्चा लगाया 2-3 महीने के लिए बिलावजह और बेखौफ पर्चा, जबकि हमारा नुकसान उन लोगों ने किया। लेकिन जब तक ना हम भी सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के आदमी मिलकर वहां पे जाएंगे, तब तक हमसे ये एक आदमी का रोकने का काम नहीं। और सबसे पहले हम उनको रोकेंगे, सबसे उन ताकतों को हम रोकेंगे जो वहां बारों बार सिफारिशें लगा रहे हैं, या किसी की सियासी लेवल पे, किसी सियासी लेवल पे बंदे एडजस्ट किए जा रहे हैं। यार हमारे बंदों को क्यों नहीं लगाओगे, यूनियन के बंदों को? तो मेरा तो एक ही मकसद है कि
हमने उनको पहले भी एक शायद वार्निंग दो बार तीन बार सर हमने उनको वार्निंग दी कि हमारे लड़के लगाए जाएं, हम उन वहां पे लड़कों को भेजेंगे, उनको एडजस्ट करवाओ, लेकिन भेजते हैं हम, बंदा लगता है दूसरे का वहां, तब तक बंदा दूसरे का एडजस्ट हो जाता है क्या, यूनियन भेजती है बंदा तीसरा लग जाता है, लेकिन हमारा मकसद है वहां पे एक ही चीज का कि हम जब तक ना आगे सब आए, वरना एक दिन ऐसा प्रोग्राम सारे मिलके बदरवा बलेसा ठाठरी कारा पूरा डोडा मिलकर एक दिन एक लंबा प्रोटेस्ट ले लेंगे, एक लंबी स्ट्राइक ले लेंगे, जब तक ना फैसला होगा तब तक काम करने नहीं देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक उसकी सिटी क्यों ना लानी पड़ेगी, लेकिन आप लोग साथ सारे दोगे, उसके लिए सब लोगों का साथ की जरूरत है, तभी हम वहाँ कामयाब हो सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब, इसमें एक खामी हमारी कमजोरी है, कमजोरी यह है हमारा एक आदमी है जो हमारी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, उसका अगर एक या दो लड़के अपने एडजस्ट कर लेते हैं, वो तुम चुप करो क्या करना है आपने यूनियन में, वो एडजस्ट चल जाता है उधर, वो भाग जाता है वहां से। इसी तरह हम में से किसी आदमी को, इनमें से किसी चार आदमियों को खींच कर ले जाएंगे, उनको लालच देंगे, काम दे देंगे, हम खामोश हो जाएंगे, हमारी यूनियन कहां जाएगी। यूनियन में जो आता है उसको दिल और जान से आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ईमान से आना चाहिए, सबसे बड़ी ईमान की बात। अगर वो ईमानदारी नहीं रखता है, उसको खुदगर्जी है, तो फिर यूनियन नहीं चलती जब तक ना इसमें ईमानदारी, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि नहीं पहले मेरे लड़के को रहने दो, आप उसके लड़के को लाए, वो गरीब आदमी उसके घर में चूल्हा नहीं चलता है उसको लगाओ पहले, नहीं वो नहीं, वो कोई करता ही वो नहीं करता, हम करते हैं अपने लिए, मेरा काम मेहन घर बैठो तो बाकी मेरे बाकी ये गलत है। तभी मैंने आपको पहले मैं आपको यही कहता हूँ कि इन लोगों को जो भी आपकी यूनियन के साथ जुड़ता है दिलो जान से जुड़े, बस नहीं तो उस जुड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तभी वही बात इनको सर, मैं आपसे पहले भी यही समझाया इनको कि आप एक बार इनसे, अभी थोड़ा हमारे कश्मीर सिंह जी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, मैं भद्रवा एनजीओ से हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, इसलिए यहाँ पे आए हम, यहाँ पे बहुत लोड गोसुद हो रहा है हमारे भद्रवा में और डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे 40-50 हजार लोग हैं जो कि बीपीएल तबका है, उनके पास टेक्निकल भी होल्ड है, सब कुछ है, मगर वो जब प्रोजेक्ट में जाते हैं काम करने के लिए उनको धक्का मारा जाता है वहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पे हम ये काम ना होने देंगे जो चीटिंग करता है लेबर के साथ, यानी कि धोखाधारी करता है, हम उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। दूसरा मिशन हमारे ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में कौन से डीसी ने इनको परमिशन दी है सर, ये बिहारी बाहर के लोग जो यहाँ पे बेचारे 100 रुपए कमाने वाले बंदे हैं वो 50 भी नहीं कमा रहे हैं, और लॉकडाउन में वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ गए हैं, उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रही है, ना यहाँ की आवाम पूछ रही है, ना यहाँ कोई जनाब कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर कोई मजिस्ट्रेट उनको कुछ पूछे क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं पतीले देख ले, कोई नहीं आता घर में, इसमें तेल है नमक है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, सारे बोलते हैं आश्वासन देते हैं, हाँ जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा भद्रवा में, टोटल जीरो पोजीशन में हो रहे, जो भी बेचारा अभी गांव से लोग आते हैं घोड़े लेके लकड़ी बेचने के लिए, उनको भी बच्चे पाल रहे हैं, उनको भी जंगलात वाले तंग कर रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे। हमारा मसला ये है, हम एनजीओ की तरफ से आए, हम सदियों से यही अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, पूरे भद्रवा को पता है ये क्या करते हैं, मगर हम सच बोलते हैं और हमको भी कुचलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये चीज हमने जाड़ से उखाड़ देनी है, हम इस प्रोजेक्ट को मन से क्या तन से जिगर से साथ दे देंगे, क्योंकि हटने वाली आइटम हम लोग नहीं है, एक बार इस कंपनी में हमने पाँव डाला ना, एक पाँव यहाँ करोड़ों पाँव आ जाएंगे, और आप लोगों को हमें साथ चाहिए, जो आप बुलाएंगे हम आएंगे, आपको आपको हमारी जरूरत है, हम वहां आप पहुंच जाएंगे, मन सच्चाई के लिए जोट के लेने, अगर एक यहाँ पे बदलाव दूसरा खप करना, अगर कोई नोट घुसोट ऐसा पूरा चुनाव को पी जाता है, कोई गरीब बंदा एक गिलास पानी लेने जाता है उसके खिलाफ पूरी आयाम हो जाती है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए और आपका साथ चाहिए, इनका साथ चाहिए, हम आने के लिए तैयार है, जो भी आपको बुलेट चाहिए बुलेट भी दे देंगे हम, किसी भी अस्पताल में किसी को प्रॉब्लम होगी हम आएंगे, 150 लड़के रेडी है इस मसले। सोशल एक्टिविस्ट और क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज इन्होंने एक अपना चुनाव वाली यूनियन
का जो इनका अपना एक कॉन्फ्रेंस था, इनके अकॉर्डिंग आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका ये कंसर्न की जो जो भी इनके ये हैं विचार या इनकी जो भी कोशिशें हैं, हम इनके साथ जो है अपना शाना बशाना साथ हैं। यहाँ पे भी इनको किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी एजेंसी के साथ, किसी भी कोई और प्रोजेक्ट के साथ या कहीं पे भी, जब जहाँ भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, और जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी हमारे साथ। थैंक यू मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी यूनियन की तरफ से, कि आप हमारी यूनियन के मोस्ट वेलकम टू आपकी एनजीओ।